मैं और मेरे क्लास के सारे बच्चे एक सुबह फील्ड ट्रिप में गए। अपने फेवरेट दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं ये देखने। हमने देखा मेहसाना के बाहर एक मिल्क कलेक्शन सेंटर, जहां ताज़ा ताज़ा दूध आता है कई डेयरी फार्मों से, और वहां दूध की प्योरिटी चेक कर उसे टैंकर में लोड किया जाता है, और फिर वो टैंकर पहुंचता है भारत हॉर्न्स के डेयरी प्लांट में। भारत हॉर्न्स का डेयरी प्लांट बहुत बड़ा है, अपने स्कूल से भी बड़ा। वहां हमें चेयरमैन अंकल ने वेलकम किया आइसक्रीम देकर। ২০১০ से स्थापित भारत हॉर्न्स बढ़ते बढ़ते आज गुजरात की नंबर वन प्राइवेट डेयरी बन चुकी है। हमारा लक्ष्य है कि भारत के कोने कोने तक हमारा उत्पाद पहुंचाने का। फिर प्लांट मैनेजर अंकल ने हमें डेयरी का टूर दिया। रुको रुको, अब अंकल ही बताएंगे। कलेक्शन सेंटर के रॉ मिल्क का प्योरिटी टेस्टिंग सैंपल लिया जाता है, और उस प्योरिटी टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद ही दूध साइलो में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद दूध पैस्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन में भेजा जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैक किया जाता है। पैस्चराइज और होमोजेनाइज किया हुआ दूध कल्चर से इनोक्युलेट होता है, जिससे दही बनता है, और ये दही कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। और एक सिमिलर प्रोसेस से छाछ भी बनता है। रॉ दूध की मलाई से बटर बनता है। इधर बनने वाला घी सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। प्रोसेस चीज और चेडर चीज भी इधर ही बनता है। और गर्मी में खुशी देती है कोन, कप और कैंडी फॉर्मेट में बनने वाली आइसक्रीम्स। हमारी स्किम मिल्क पाउडर बनाने की फैसिलिटी पूरी तरह ऑटोमेटेड है, और हम पूरे गुजरात के नंबर वन प्राइवेट मिल्क पाउडर प्रोड्यूसर हैं। हर बैच के प्रोडक्शन के बाद सारे इक्विपमेंट्स पूरी तरह क्लीन किए जाते हैं। इधर की मशीन्स सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है, जो जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रिया और इटली से आती हैं, और ऐसी मशीन्स देश में बहुत कम डेयरीज के पास हैं। इधर की क्वालिटी कंट्रोल लैब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं, और इधर के सारे प्रोडक्ट्स स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस से गुजरते हैं। ऐसे ही बने हैं हम गुजरात की नंबर वन प्राइवेट डेयरी। बूंदों की तरह बचपन, बारिश की तरह शुद्ध, नदियों की तरह ये पवन, शुद्ध हमेशा, शुद्ध हमेशा, शुद्ध हमेशा, शुद्ध हमेशा। भारत हॉर्न्स, शुद्ध हमेशा।